Figure shows a network of capacitors and resistors. The charge on capacitor in steady state is. तो ये एक फिगर है, चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा गया है स्टेडी स्टेट पर. क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? लेट्स स्टार्ट विद पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो देखिए, इस जंक्शन की बात करते हैं. यहाँ से 8 वोल्ट्स का है, यहाँ से 6 वोल्ट्स है, यहाँ से 4 वोल्ट्स है. इसमें यहाँ से कुछ करंट और यहाँ से कुछ करंट जा रहा होगा. हाउएवर, हम ये भी जानते हैं कि ये करंट यहाँ से आगे नहीं जा सकता, बिकॉज यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है. अब ये बैटरी इटसेल्फ क्या है? ये कैपेसिटर है, बट फिलहाल ये एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा होगा, है ना? क्योंकि स्टेडी स्टेट की बात हो गई है, तो अब ये कैपेसिटर फुली चार्ज्ड होगा. हम जानना चाहते हैं कि इस कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है, ताकि हम फिर इस पे चार्ज की वैल्यू निकाल सके. तो अब हम करंट की कंडीशन अगर लगाते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का वोल्टेज हम सब जानते नहीं हैं, इस पॉइंट का वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है? तो देखो, 6 - V/2, इसका आ जाएगा आपका करंट 1, जो भी आपका इस 2 के थ्रू जा रहा है. ये करंट 1 हो गया. 4 - V/4, ये करंट 2 हो गया. 8 - V/4, ये करंट 3 हो गया. और इन सब का एडिशन 0 होना चाहिए, क्योंकि करंट नहीं है सर्किट में. ये करंट इवेंचुअली यहाँ से आगे नहीं जा रहा, राइट? तो आपका नेट करंट 0 आ गया. तो यहाँ से एक सॉल्यूशन बन सकता है. यहाँ पे भी मैं इंटू 2 और ऊपर भी इंटू 2 कर देता हूँ, ताकि नीचे के सारे 4 कैंसिल आउट हो जाए. आपके पास बचेगा 12 - 2V + 4 - V + 8 - V = 0. तो 12 + 4 + 8, दिस इज इक्वल टू 12 + 12 = 24 - 2V, V 4V आ गया, दिस इज इक्वल टू 0. वोल्टेज की वैल्यू होगी 24/4, 6 वोल्ट्स, ठीक है? तो आपको सबसे पहले तो पता चल गया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो 6 वोल्ट्स का है. अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर देख लेते हैं कितना हो रहा है. तो आप जानते हो कि ये वाला पॉइंट जो है ये 6 वोल्ट्स पे बैठा हुआ है, ठीक है? अगर मैं कैपेसिटर के पोटेंशियल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि +6 इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है. और यहाँ पे आपका अगर ये पॉइंट 0 है, तो ये पॉइंट 0 हो गया, जिसका मतलब ये वाला पॉइंट -10 का हो गया, ठीक है? चलो इस चीज को मैं लिखना शुरू करता हूँ. ये पॉइंट अगर 0 पोटेंशियल का है, तो ये वाला पॉइंट भी 0 पोटेंशियल पे कहलाएगा, जिसका मतलब है इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल -10 होता है. तो अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या लगा हुआ है? इस कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो है -10, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है +6. तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, वी ड्रॉप कितना होगा? ये हुआ 6 - -10, बेसिकली 16 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप आया है इस कैपेसिटर के अबाउट. अब 16 वोल्ट्स का पोटेंशियल है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको पता है 1 μ है. तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज आपका हो जाएगा Q = CV, विच इज इक्वल टू 1 - μ × V की वैल्यू होगी 16 वोल्ट्स. तो ये आ जाएगा 16 μC. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, है ना? यहाँ पे फेराड लिख देते हैं अपन, तो Q की वैल्यू 16 माइक्रो कूलम्स आ जाती है.